भाई साहब आपका भाई दोबारा आ चुका है व्लॉग में। तो आज आपको बताता चलूं भाई साहब कुछ शरीके आप लोग भी कह रहे हुए यार मैं इतनी देर बाद क्यों होना है आपको बताइए यार कुछ अपने शरीक थे लेकिन जितने मर्जी शरीक हो जाए मुझे जूते मारते सीधा करना आता है। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा और मैं कर चुका हूँ। जो बंदा मेरे साथ पंगा लेगा मैं उसको मुझे सीधा करना था। आपने उस चीज़ की पहले बार टेंशन लेनी और यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो यार आपकी मेहरबानी। इतना टाइम लगाते हैं हम यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया करो और लोगों को जो सीधा करना था अपनी टेंशन लेनी। अब हम चलते हैं आज अपने कज़नों को लेकर। ये लोग फारिग नहीं होते तो आज आपका भाई इनके अंदर चैलेंज लगवाएगा। मेरा एक ही कज़न है एक और कज़न है चाचू के बेटे हैं तो इनको आज आपका भाई इनके इन दोनों का वीएस कराएगा क्योंकि इन दोनों की वो करवाएगा लड़ाई शड़ाई करवाते हैं। चलो पार्क में चलते हैं वहाँ पे जाकर ना इनसे डंड उंड निकलवाते हैं। आज का व्लॉग सिर्फ बच्चों के नाम ये कि बस ये बच्चे बस करें जो करें क्योंकि आपको भाई सब पता है कि इस वीडियो के अंदर हम कुछ भी थोड़ा सा भी गलत बोल देंगे ना तो वो जो श्रीक है ना उसके पीछे आग लग जाएगी। तो आप बता जब आग लगती है ना तो क्या वो टपते हैं आप क्या कर सकते हैं। शरीकों की भी ऐसी की तैसी आपने टेंशन लेनी है। शरीकों को छितर मारने मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। अच्छा तो जरा अब निकलते हैं पार्क को। अरे क्या गाना अच्छा जी तो अब हम जरा निकलते हैं ये देखते हैं आप इनके गंजे देख सकते हैं कोई बात नहीं। अच्छा उतर अच्छा जरा वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं क्योंकि रास्ते में नहीं होता लोग तो उधर पार्क के अंदर जाके मिलते हैं। अच्छा जी तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के मशहूर पार्क में लेडीज पार्क। इसके अंदर आपको पता जाने नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चियाँ होती हैं पूंडी करनी थी हमने कहा जरा इन गंजों को जरा थोड़ी बहुत पूंडी शूडी करा दें लेकिन बच्चिया ही नहीं है इनको पूंडी कराने। चलो कोई बात बात नहीं हम जरा पार्क में निकलते क्या पता दे इनको बच्ची बच्ची मिल जाए। अच्छा जी तो अब हम आपको पता ही एंटर हो गए हैं तो भाई साहब यहाँ पे ये जरा इनका काम कुम चल रहा है। अच्छा तो अब हम एंटर हो चुके हैं और जरा वो कहने जरा साइड पे जो और हम यहाँ से साइड पे हो चुके हैं। ओ गंजे ओहो आ गया गंजा ओहो वाह जी वाह गंजे कर दिए आज आपके भाई ने गंजे कर दिए हैं। तो आगे भाई जा रहे हैं लेकिन हमें टूल्स वगैरह का कुछ भी नहीं पता है कि किस तरह डंटे निकाल लें। अब जरा इनको लेके चलते हैं मुझे तो पता है भाई साहब आपके भाई को सब कुछ पता है टेंशन नहीं लेनी आपने। ये क्या कर रहा है। अच्छा तो आपको पता लग ही चुका होगा यहाँ पे ये जो सारे टूल्स वगैरह हैं। अच्छा तो सबसे पहले इन दोनों का ये इस चीज़ का मुकाबला लगवाते हैं कि कौन ज़्यादा वो निकलवाता है। अच्छा तो इनका ये स्टार्ट हो चुका है जो कि लो जी बाय टाटा गुड बाय। नहीं नहीं क्या ये क्या था इससे अच्छा तो लगाता ही ना। नहीं नहीं इससे अच्छा तो लगाता ही ना तीन। अच्छा जी तो अब हम जरा अगले उसमें निकलते हैं। अच्छा मुझे कह रहा मुझे निकालने लेकिन भाई साहब आपका भाई नहीं निकाल सकता मजबूरी है क्या करें मजबूरी है। अब अच्छा जी अब जरा अगली ये एक्सेस कर रहे लेकिन मुझे पता नहीं ये क्या। अच्छा जी तो आपके भाई ने इनको ओपन चैलेंज दिया है इन दोनों को कि ये लोग 10-10 इस तरह ये डंड निकाल देंगे ये वाले नहीं दूसरे के लटा गए और 10 डंड मैं निकालूंगा देखते कौन ज़्यादा निकाले। जिस बंदे ने एक बंदे से ज़्यादा निकाले या जिसके सबसे ज़्यादा हुए डंड उसको भाई साहब मेरी तरफ से 500 रुपया इनाम मिलेगा। मंजूर गंजे जरा। अच्छा तो वो ज़रा आ रहा है तो अब अच्छा बात सुन लो सीन ऐसा है कि 10 डंड निकालने जो बंदा ज़्यादा डंड निकालेगा उसको 500 रुपया मेरी तरफ से ना ओपन चैलेंज फोर्ड लो। चलो ये क्या कर रहा है नशैया नहीं पता आग रहा तेरे मुंह पे पूर्व में तेरी मिट्टी मिट्टी में तेरा। अच्छा जी तो अब ये साथ है अब ये ज़्यादा डंड ये डंड था ये डंड था नहीं चुकी हो लो ये डंड था और गंजे इसको आगे उठा ये इसका डंड कितने निकालने हैं एक एक बल्कि एक भी नहीं सब पूरी तरीके से निकाला। अच्छा अब जरा आएगी जुआ लुबड़ी कैंटर की बाड़ी और ये अब अच्छा तो अब ये जुआद है
इसका नाम गंदी हो रही है। और अब ये तीन चार जीत पांच बस पांच बस छे लो बस छे डंट निकाले भाई साहब बस छे डंट लेकिन उस गंजे से ज्यादा ही निकाले। तू तो निकाल अच्छा तो अच्छा अब ये मुझे कह रहा और अब आपका भाई निकलेगा तो अब ये डंट निकालने लगा माशाल्लाह माशाल्लाह डंट निकाल बड़ी भैड़ी आड़ी होगी मैं मुझे बड़ी उम्मीद है टेंशन ना ले मुझे पता है कि बड़ी पत्ते पर मैं तो अब ये लगाने लगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और भाई बस सारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस पच्चीस 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 डांट अगले निकाल ली। अच्छा तो आपके भाई ने पच्चीस डांट निकाले हैं और अच्छा ये गंजे ने मुझे दोबारा चैलेंज कर रहा कह रहा मैं तेरे जीत जाऊँगा चल हाँ जरा एक दो तीन चार पाँच छ ये तो अपने आठ बैकबोन की प्रैक्टिस कर रहा है दस हाँ ग्यारह बारह तेरह चौदह ये डंट ते कर रहा ना तू नहीं मेरे ख्याल से तो किसी और चीज की प्रैक्टिस शायद कर रहा ये डांट निकाले हैं वाह जी वाह। अब इन दोनों का अब लगने लगी है दौड़ जो कि वहाँ तक जाना है क्योंकि ये पिछला मैच वो तो जीत नहीं सके अब देखते हैं इनमें से कौन जीतता है इन दोनों में से तो थ्री टू वन गो। अच्छा जी तो अभी लो जी जो अभी सर इसके ऊपर हाँ स्क्रॉल करना है था। अच्छा तो फिर आगे आ जा। अच्छा जी तो आपको पता है अब ये यहाँ पे लटक चुका है और मैं जीत चुका है लेकिन मैंने इस गेम पे तो मैंने पैसे लगाए ही नहीं थे। आई एम सॉरी बाबू कोई बात नहीं अब हम कोई नई गेम लगाते हैं जिसके अंदर मैं इनको पैसे भी लगाऊंगा। वैसे पिछले गेम में पैसे लगे बांदर बन चुका है और जिसके बाद से ये बांदरों की तरह यहाँ पे बैठ चुका है और यहाँ पे ये अपनी तरफ से पुंडी कर रहा है लेकिन कोई बात नहीं कर सकता जी। तो अब इन दोनों का लग चुका है मैच जिसके ऊपर मैंने इनको पैसे लगाए हैं पाँच सौ रुपया उस बंदे को मिलेगा जो बंदा देर तक लटकेगा। तो अब आप देख सकते हैं ये अब चैलेंज हो चुका है स्टार्ट देखो अब ये करने से कुछ नहीं होगा पैसा देर तक लटके रहना है उसको सिर्फ उसको 500 रुपये मिलेगा मेरा कटाना कटाना आप दोनों गिर जाना कटे आधे आधे कर लेंगे सही क्या नहीं जवाब मैच लगा वन का लो जी ये भाई हार चुका है ये शुरू से हारता आ रहा है लेकिन ये भाई जीत चुका है और इसको अब 500 रुपए के वो मिलेंगे ओहो सॉरी 500 रुपया मिलेगा आप दो ना। अच्छा चलो मेरा काटा हो गया कोई बात नहीं इनको 500 रुपया देंगे आपने टेंशन लेनी आप ये ना समझना कभी यही नहीं घर जाके देते हैं इसको मेरे पापा भी पैसे थे बेवजह की शर्त लगाई लेकिन अब कोई बात नहीं हार चुका है घर जाकर समझ देता हूँ आपने टेंशन लेनी आप कैमरे के अंदर दिखाएंगे। अच्छा जी तो अब हम निकले फिर घर को क्यों निकलना अभी स्पाइडरमैन बनना हमने दरअसल इसलिए जा रहा क्योंकि वहाँ पे एक लड़की है वो जो पुंडी का रही है गंदी सोच। अच्छा जी तो आपका भाई अब फाइनली घर पहुँच चुके हैं और अब अंदर जाके मिलते हैं। अच्छा जी तो अब ये 500 रुपये लेकर आ चुके हैं अरे जाओ इधर। अच्छा अब ये 500 रुपया अब इसको मिल चुका और ये बेचारा चल तुझे एक ये ना थैंक यू वेरी गुड ये बॉय वेरी गुड।
अच्छा तो मैं यहाँ पे करता हूँ लोगों को एंड, तो जिस जिसको भी कीड़ा है वो मुझे बता सकता है, मैं उसको कीड़ा ख़त्म करने के लिए हाजिर हूँ, टेंशन लेने मैं सबके हाजिर हूँ, कीड़ा सबका मैं खत्म करता हूँ जी को वाह। ठीक है यहाँ मैं करता हूँ लोगों को एंड, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो मारो। ओके, खुदा हाफिज़।